हे गाइस वेलकम बैक टू ड्रॉब बाबा राउंड अप ऑफ गेम वीक 12 बहुत ही अमेजिंग और अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली हैं हमको इस हफ्ते अलग अलग लीग्स में सब लीग्स में कुछ ना कुछ तो अमेजिंग हुआ ही है बहुत सारे नई चीजें हुई बहुत सारे नए मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स तो कैसा रहा सबका राउंड अप करेंगे छोटा सा एक नजर डाल लेते हैं सारे फिक्सर और रिजल्ट पे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लीग में तो वील किक थिंग्स ऑफ विद लेस्टर वर्सेस चेलसी तो मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था क्लीन विन फॉर चेलसी और जिस तरीके की स्लॉपी फुटबॉल खेल रही थी लेस्टर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि लेस्टर ज्यादा प्रॉब्लम पोज करेगी चलसी के लिए एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस बाय चेल्सी लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखें तो लेस्टर एक मिड ब्लॉक मेंटेन किए हुए थे पूरे मैच और ज्यादा हाई अप टॉप प्रेस भी नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से बेन चिलवेल और रीस जेम्स को इतना ज्यादा स्पेस मिल रहा था डाउन द फ्लैंक आप देखेंगे तो बेन चिलवेल को तीन चार बार मतलब इतनी अच्छी पोजिशन में आए थे वो और गनीमत है कि चेल्सी ने तीन गोल ही मारे वो स्कोर लैंड कुड हैव बीन एनी थिंग सिक्स सेवन कुछ भी और आई नो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब डांट रहे हैं कि यार बाबा चेल्सी का रिव्यू करो करेंगे आज जब रात को हम मैं करूँगा रिव्यूज गेम वीक का डिटेल में तो इस मैच की भी टैक्टिकल मैं रिव्यू करूँगा बहुत डिटेल में बट ऑन द फर्स्ट हैंड मैं बस अपना रिएक्शन देना चाहता था तो बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी लेकिन आई एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन फर्स्ट हाफ में भी आपने देखा होगा तो लेस्टर ने ज़्यादा कुछ क्रिएट किया नहीं और uh, मतलब बहुत ही ईजी स्ट्रोल इन द पार्क रहा चेल्सी के लिए और ज़रूरी था ये मैच जीतना क्योंकि मैन सिटी और डिवर भी अपने रिस्पेक्टिव मैचेस जीत गए जो कि शायद इतने इजी नहीं थे अगेंस्ट एवर्टन एंड आर्सनल तो अच्छा रिजल्ट चेल्सी के लिए दे आर सिटिंग टॉप ऑफ द टेबल तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट नेक्स्ट वी गो टू एस्टन विला और स्टीवन जराट का पहला मैच एज एस्टन विला मैनेजर स्टेटमेंट है ये न्यू मैनेजर बाउंस देखने को मिले रहा रहा देखने को मिला हमको स्ट्रेट अवे प्लेयर्स ने किया हरा तो दिया ब्राइटन दो लेट गोल्स बाय एस्टन विला तो इतना ईजी नहीं है ब्राइटन तो तो को हराना और जैसा हमको पता है कि भाई एस्टन विला का जो रन ऑफ फॉर्म है बहुत खराब चल रहा था पांच मैच लगातार हारे थे स्टीवन जराट का था ये एक एम की उनको ये क्रम्बल होती हुई एस्टन विला टीम को संभालना है और एस्टन विला के बहुत ज्यादा होप्स पिंड थे पे सीजन स्टार्ट हुआ था न्यूट्रल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एस्टन विला को लेके सीजन के स्टार्टिंग में और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था जो वेस्ट हैम कर रही है सीजन शायद एस्टन विला करे और हाइप इसलिए भी क्रिएट हो गया था क्योंकि साइनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी करी थी लास्ट सीजन उनका बहुत अच्छा गया था बट उन्होंने अपने आप को लेट डाउन किया और उस वजह से हमने देखा कि वो ड्रिफ्ट डाउन होते जा रहे थे होते जा रहे थे टेबल में रेलीगेशन स्क्रैप में फंसने का चांस था तो डिसीजन लिया एस्टन विला ने स्टीवन जराट को लेकर और आते ही पहले मैच में उन्होंने दिखाया है कि वोट अ क्वालिटी मैनेजर ही कैन बी और रिस्पॉन्ड किया ने और बहुत ही अच्छे तीन पॉइंट और बहुत ही अच्छी विन अब नेक्स्ट जो गेम्स हैम्पटन तो, तो ये सारे मैच साइमल्टेनियसली चल रहे थे प्रीमियर लीग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले दिन आपने सिर्फ दो मैचे के लिए टाइम स्लॉट छोड़े मैन सिटी एवर्टन और स्पर्स लीड्स अरे भैया आधे आधे मैचेस डिवाइड कर दो इस चक्कर में बर्नली वर्सेस क्रिस्टल पैलेस छूट गया न्यूकासल वर्सेस वर्सेज छूट गया शानदार मैचेस हुए हैं थ्री थ्री के स्कोर से अब मैंने ये मैच क्योंकि देखे नहीं है आज मैं इनको स्टडी करूंगा फिर ही टैक्टिकल या दे फर्स्ट जो स्कोर और बर्नली के लिए दोनों दोनों के लिए अवे गेम्स थे, लेकिन देवर फेवरेट गोइंग इन दिस गेम और जीतना चाहिए था उनको दोनों को यह गेम क्योंकि दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही है लेकिन न्यू कासल एडी हाउ का न्यू मैनेजर तो ड्रॉ कराया है थोड़ा सा वो एक जो डाउन जा रहे थे न्यूकासल उस फीलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आई थिंक बहुत मुश्किल काम है हो यार। पांच मैच में एक भी मैच नहीं जीते है। चार हार गए और जो इनका ड्रॉ हुआ है तो आ, मतलब दिक्कत है थोड़ी सी ब्रांडफट के लिए क्योंकि दे नो नाउ की अच्छा फुटबॉल खेलना सिर्फ काफी नहीं है आपको गेम प्लान और ग्राइंड करना भी आना चाहिए रिजल्ट्स को वो एक चीज है जिसपे ब्रांडफट की अब नजर रहेगी और कैसे वो अब चीजों को बैक ऑन ट्रैक ला सकते हैं क्योंकि दे विल बी लूजिंग सम की प्लेयर्स इन विंटर या फिर समर ट्रांसफर विंडो में क्योंकि दे हैव रियली एक्साइटिंग प्लेयर्स और अगर कोई बड़ी टीम आएगी मांगने तो ब्रांडफर्ड विल नॉट हेजिटेट टू सेल प्लेयर्स टू बिग क्लब्स तो उस बात का ध्यान रखते हुए ब्रांडफर्ड को जो है अपना प्रीमियर लीग में जो स्टेटस कायम रखना है तो कैसे करेंगे वो उस चीज का उनको ध्यान रखना है क्रिस्टल uh, पैलेस भी डिसअपॉइट होंगे इस ड्रॉ के साथ आई डोंट थिंक कि खुश होंगे बर्नली पे जाके तीन गोल आप स्कोर कर रहे हैं एक लो ब्लॉक बन लिए अगेंस्ट और फिर भी नहीं जीत पा रहे डीन स्मिथ ले गए यार रिजल्ट अपना पहला नॉर्विच uh, के नए मैनेजर साउथ हेम्प्टन को हरा दिया टू वन अनएक्सपेक्टेड था अगेन न्यू मैनेजर बाउंस देखने को मिल रहा है हमको तो स्पर्स नॉर्विच और एस्टन विला तीनों ही अपने मैच जीत गई न्यू मैनेजर का जो एक इम्पैक्ट है वो स्ट्रेट अवे विजिबल है वॉर्डफर्ड वर्सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड अब देखिए इस मैच पे तो हमने इतनी डिटेल में डिस्कशन करी मोहक ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है दिव्यांश के चैनल पे ढाई घंटे हमने डिस्कशन किया था मैच के बाद तो लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा दोनों का प्लीज गो चेक इट आउट और कल जो मैंने एक वीडियो डाला था जो ओले गोल शहर को सेक किया गया उस मैं जो मैंने डाला था उसमें भी मैंने अपने थॉट दिए थे थोड़े से तो आई डोंट थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ टेक्टिकल फ्लॉ बट इट वॉज डाउन टू द मैंटेलिटी प्लेयर्स जो है बिल्कुल हार चुके थे और अब हमको चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी क्या इंटरेस्टिंग होगा क्या कौन होगा वो नया मैनेजर जो आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सारे लोगों से नाम लिंक है तो देखते हैं तीन चार दिन में जो है पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी उसके बाद हम कमेंट कर पाएंगे सिचुएशन पे वुल्स यार जीत गई वेस्ट हेम्स से काफी अमेजिंग रिजल्ट मुझे लगा था कि वुल्स यार ड्रॉ करा ले वेस्ट के अगेंस्ट आप अभी नहीं कर सकते जिस तरीके की टीम है और वेस्ट हेम जिस तरीके का फुटबॉल खेल रही है लेकिन दिस इज प्रीमियर लीग फॉर यू दिस इज फुटबॉल फॉर यू जो आप सोचते हैं वो अक्सर होता नहीं है और वुल्स अंडर रेट है अंडर रेट किया जा रहा है वुल्स को इस सीजन बहुत अंडर टीम है जो वो मैच भी आ रहे थे ना शुरू के अगेंस्ट स्पर्स और मैनचेस्टर तो तो स है, really अच्छा है, है, है और वुल्स अवे इज नॉट एन इजी फिक्सर फॉर एनी टीम और वेस्ट हेम के लिए थोड़ा सा क्योंकि अब हम देखेंगे कि इस तरीके के रिजल्ट रहेंगे तो जनवरी तक हमको देखने को मिल जाएगा कि कौन जो टॉप टू थ्री टीम्स है जो टाइटल के लिए लड़ रही है और कौन है फोर्थ से लेके जो सिक्स सेवंथ है वो फोर्थ प्लेस के लिए अलग ही एक लड़ाई चल रही होगी तो यही रिजल्ट है जिनकी वजह से वो गैप जो है वो क्रिएट होना चालू होता है और इस तरीके के रिजल्ट अब हमको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे जब जनवरी आ जाएगा देखते हैं क्या होता है लिवरपूल वर्सेज आर्सनल अब मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें मैंने एक बात बोली थी कि आर्सनल ने भी चार गोल कंसीड किए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी चार गोल कंसीड किए लेकिन जो चार गोल आर्सनल ने कंसीड किए उसमें ये पॉजिटिव्स थे कि फर्स्ट हाफ में आर्सनल का एक गेम प्लान देखने

फिर तो चढ़ गई भैया लिवरपूल फिर लिवरपूल ने को पूरे मैच में कुछ नहीं करने दिया एंड अवे स्पिरिट का मेंटेलिटी का ये तो क्वेश्चन रहा ही है हमेशा से जब भी आर्टेटा आए इन चार्ज तो ये चीजों को धीरे धीरे टाइम लगेगा इंप्रूव होने में बट टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी सी बेटर लग रही है मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वही सब है तो इसीलिए मेरे अभी भी

तो मैन सिटी डिड वॉट वर एक्सपेक्टेड टू डू गए और एप्सोल्यूटली आउट प्लेड एवर्टन और एवर्टन अब थोड़ा सा नीचे घिसकती जा रही है धीरे धीरे और बॉटम हाफ में फिनिश करने का ख़तरा जो उन्होंने शुरुआत की थी जिस तरीके का गेम दिखाया था राफा बेनिटेज ने मैं बहुत एक्साइटेड था शुरू के छः सात गेम्स में लेकिन अब वो चीज़ जो है वो फेड हो गई है और अब वो वापस से जो एक मिड टेबल टीम का फॉर्म होता है वो पकड़ लिया एवर्टन ने यहाँ हेर एंडेर यहाँ पे एक दो गेम जीत जाएंगे फिर हार जाएंगे फिर एक रन ऑफ लूजिंग रन पे चले जाएंगे फिक्सर्स के फिर दो तीन गेम जीत जाएंगे तो यही चलेगा एवर्टन का फॉर्म देखते हैं क्या होता है स्पर्स वर्सेस लीड्स बैटल ऑफ टू टेक्टिशियंस कॉन्टे वर्सेस बीएल तो फर्स्ट हाफ में लीड्स वर द बेटर टीम और सेकंड हाफ में हमको एक क्लासिक कॉन्टे की टीम की परफॉर्मेंस देखने को मिली इंटेंस ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन और भरपूर एक्शन से उसकी वजह से उन्होंने मैच भी जीत लिया टू वन सर्जी रेगुलर ऑन विद द विनर मेरी एफ पी एल टीम में थे मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हमको पता ही है जब मतलब एंटोनियो कॉन्टे की टीम्स खेलती हैं तो विंग बैग्स का जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है अटैकिंग आउटपुट उन टीम्स में तो देखने को मिला है हमको कि धीरे धीरे एंटोनियो कॉन्टे भी अपनी जो अथॉरिटी है उसको स्टैम्प कर रहे हैं स्पर्स पर और काफी अच्छा रिजल्ट स्पर्ट्स के लिए लीड्स को हराया और अब चीज़ें जो है वो ट्रैक पर आने लगेंगी यहीं पर ही बाकी टीम्स की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे वो डाउन हिल जा रहे हैं मैनेजरियल अपॉइंटमेंट भी अभी तक कुछ फिक्स नहीं है तो क्या स्पर्स इन सब चीज़ों का फायदा उठा के अपनी एक जगह बना सकती है टॉप फाइव टॉप सिक्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और अगर अब प्रीमियर लीग टेबल पर नजर डाल लें तो नीचे से शुरुआत करें तो न्यू कासल आर हेड रॉक बॉटम ट्वेंटी एथ प्लेस पे क्योंकि नॉर्वेच अपने लगातार दो मैच जीत गई है तो मैंने जैसा अपने पिछले दो तीन स्ट्रीम्स में भी बोला था कि एकदम से मतलब जो नरेटिव है और जो टेबल है वो चेंज होने में तीन चार मैच लगते हैं तो न्यू कासल आर्ट ऑन रॉक बॉटम आफ्टर ट्वेल्व गेम्स रेलीगेशन जोन में है <laughs> काफ़ी मतलब अजीब हो जाएगा अगर इतने बड़े ओनरशिप uh, चेंज के बाद न्यू कासल रेलीगेट हो जाती है तो बट आई डोंट थिंक दे विल गेट रेलीगेटेड नॉर्च बर्नली और न्यू कासल अभी रेलीगेशन जोन में लीड्स आर नॉट फार फ्रॉम इट अब लीड्स को थोड़ा सा मतलब टेंशन का है लीड्स के लिए समय थोड़ा सा मतलब उनको भी अब केयरफुल रहना पड़ेगा ज़्यादा अगर ड्रॉप कर गए तो वो दे डोंट वॉन्ट देम सेल्स टू फाइटिंग दैट रेलीगेशन बैटल एट दी एंड क्योंकि वो मतलब वो फिर चीज़ सही नहीं होगी दैन वॉटफर्ड एस्टनविला तीन पॉइंट बहुत क्रूशल तीन पॉइंट नहीं तो फिर वो भी एक पॉइंट ही ऊपर होते रेलीगेशन जोन से ब्रेंडफर्ड साउथ एम्पटन तो अगर आप देखें तो फोर्टीथ से लेके इवन मैं कहूँगा फॉर देट मैटर तो थर्टीन से ले कर जो सेवनटीन्थ प्लेस है उसमें सिर्फ तीन पॉइंट चार पॉइंट का फ़र्क है तो इस तरीके का जो है Uh, मतलब ये रेलीगेशन स्क्रैप हो सकता है और साउथ एम्प्टन तो मैं नहीं कहूँगा रेलीगेशन बैटल में रहेगी लेकिन हाँ न्यू कासल uh, नॉर्विच बर्नली लीड्स और वॉटफर्ड इन सब टीम्स को थोड़ा सा वेरी रहने की ज़रूरत अब आ जाते हैं टॉप हाफ पे तो क्रिस्टल पैलेस ब्राइटन थोड़ा सा स्लिप कर गई है पिछले पाँच मैच में कोई विन नहीं है ब्राइटन का मैन यूनाइटेड अगेन चार लॉसेस इन लास्ट फाइव गेम्स फाइंड दमसेल्व एर्थ एंड अनफॉर्चुनेटली ओल इज गॉन तो टोटनम अब सेवंथ प्लेस पे विथ नाइनटीन पॉइंट चढ़ रहे हैं टेबल में धीरे धीरे वुल्स आर्सनल तो टोटनम इंटरेस्टिंगली फाइंड दैम सेल्व ओनली फोर पॉइंट्स ऑफ द टॉप फोर तो क्या यहाँ से टर्न अराउंड कर सकते हैं एंटोनियो पॉन्टे आई थिंक ही कैन ही कैन बी अ स्ट्रॉग कंटेंडर फॉर टॉप फोर फिर देख सकते हैं आप वुल्स जस्ट पॉइंट बिहाइंड आर्सनल ऑन सिक्स और वेस्ट हेम एट ट्वेंटी थ्री ऑन फोर्थ पोजिशन देन लिवरपूल मैन सिटी चेल्सी थ्री टू वन तो चेल्सी तीन पॉइंट क्लियर है लेकिन ये तीन पॉइंट की लीड कुछ भी नहीं होती थिंग्स कैन चेंज और देखते हैं क्या होता है आगे बट अगेन काफी इंटरेस्टिंग फिक्चर है नेक्स्ट वीक चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही बड़ा गेम तो देखते हैं क्या होता है आ, चलेंगे अब दूसरी लीग्स की तरफ नजर डालते हैं तो लालीगा पे नजर डाल लेते हैं तो रियाल मड्रिड और बार्सिलोना दोनों ने ही अपने मैच जीत लिए पहला मैच चावी की मैनेजरशिप में बार्सिलोना का काफ़ी अच्छा रिजल्ट काफ़ी खुश होंगे बार्सिलोना फैंस काफ़ी सही रही परफॉर्मेंस और यही एक ज़रूरत थी एक स्ट्रॉग परफॉर्मेंस एक अच्छी परफॉर्मेंस और तीन पॉइंट्स तो मतलब एक एब्सोल्यूट बोनस उसकी वजह से जो बार्सिलोना है वो अब सिक्स प्लेस पे आ गई है टेबल पे जैसा आप अपनी टेबल में देख सकते हैं सिक्स प्लेस पे आ गई है टेबल में और रियाल मडरिड अगेन मतलब स्टीम रोल्ड पास देर अपोजिशन और बहुत ही इजी विन उनके लिए विनीशस इज एप्सोल्यूटली बॉलिंग राइट नाउ पिछले पाँच गेम्स में चार मैच जीत चुके हैं तीस पॉइंट हैं उनके तेरह गेम्स में और एक गेम इन हैंड भी है उनका तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये टाइटल रेस जो है रियल सोशोडार्ड से हो जाएंगे चार पॉइंट क्लियर अगर, अगर अगर अपना नेक्स्ट गेम जीत जाते हैं और बार्सिलोना भी अब आई एक्सपेक्ट देम टू फिनिश इन साइड ऑफ टॉप फोर क्योंकि अब चावी सही टाइम पर आ गए हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है बाकी एथलेटिको आर देयर राइट देयर और वो भी अब थोड़ा सा अब अपना फॉर्म पिक करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा स्टेबल हुआ है उनका भी जो एक टर्बी टॉपसी रन था जो सीज़न का स्टार्ट हुआ था बट अब आप देख सकते हैं तो पिछले पाँच गेम में कोई मैच हारे नहीं है। लेकिन हा ड्रॉ बहुत ज्यादा है तीन ड्रॉ हैं और दो मैचेस जीते हैं तो बट अब अगर एटलेटिको भी एक अच्छे रन ऑफ फिक्स पे चली जाती है तो उनके लिए भी मतलब काफी मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा टाइटल चांसेस तो देखते हैं क्या होता है लालिय की टाइटल रेस बहुत इंटरेस्टिंग होगी इस बार लीग वन टेबल पर नजर डाल ले तो पी तो क्लियर है एकदम अब मेसी स्कोरिंग इज फर्स्ट गोल इन लीग वन काफी अच्छा गोल स्कोर किया तो हैप्पी साइंस क्या पॉजिटिनो सैक होंगे क्या जिडान के पीछे जाएगी पी एच जी ये देखना होगा मार्स और लियो का मैच जो है गाइज वो सस्पेंड हो गया बिकॉज डेमेट्री पैथ को बॉटल पड़ी और जिसकी वजह से गेम जो था वो हॉल्ट किया गया दो इंजरी हो गई तो काफी बवाल हुआ उसके चलते और मतलब ये एक अच्छा नहीं होता जब इस तरीके की हरकतें होती है लेकिन हाँ ये तो पी ही जीतेगी इस बार और नहीं जीते हैं तो भैया फिर तो क्या ही बोलो आप इतनी सुपर साइनिंग्स करने के बाद इलेवन पॉइंट्स क्लियर ऑलरेडी और आई लीग वन डन बायन हार गई यार ऑक्सबर्ग से <laughs> बायन हार गई जब हम कर रहे थे रिव्यू तो मैंने कहा क्या ही बात करनी मेरे को इस गेम के बारे में यार मतलब एटीन प्लेस ऑक्सबर्ग से खेल रही है uh, बायन क्या क्या, क्या मैं रिव्यू करूं क्या प्रिव्यू करूं इस गेम का तो <laughs> दिस इज फुटबॉल फॉर यू एनीथिंग कैन एप एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डॉटमंडीत गई चार पॉइंट का गैप हो गया था वो वापिस एक पॉइंट का रह गया तो <laughs> काफी इंटरेस्टिंग चीज है टाइटल कंफर्टेबली क्योंकि हालेंड इज आउट लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई है उनको तो देखते हैं क्या होता है बट हाँ दिस इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग जो ऑक्सबर्ग ने किया हरा दिया बायन को और uh, मतलब ये दिस गोज ऑन टू शो की फुटबॉल में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है कुछ भी हो सकता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बायन सफर से एक अनवॉन्टेड रिजल्ट इफ फैन भैया मिलान और नापोली दोनों अपने मैचेस हार गई दोनों ही मैच बहुत शानदार हुए इंटर वर्सेज नापोली एंड फ्योरेंटीना वर्सेज मिलान फोर थ्री और थ्री टू स्कोरस था उसमें एंड स्पेशली फ्योरेंटीना मिलान वॉज एब्सोल्यूटली क्रेजी गेम वैलो विच विथ टू लेट गोल्स सीलिंग द गेम फॉर फ्योरेंटीना बट इससे एक बूस्ट मिलता है इंटर को जो कि गैप था बहुत एक लंबा सात पॉइंट का वो अब चार पॉइंट का रह जाता है एक अच्छा रिजल्ट इंटर के लिए अटलांटा भी अपना गेम जीत गई गईस ने हरा दिया अलाज्जियो को और दे वन देयर गेम बाय टू वन तो यूटस भी थोड़ा सा चाहेगी फॉर्म पकड़ना क्योंकि टॉप फोर जो है वो इतना दूर है नहीं अगर आप देखें तो यूवेंटस अराउंड ट्वेंटी वन पॉइंट एंड अटलांटा अराउंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स तो चार पॉइंट का ही गैप है और अभी तो कुछ भी नहीं है तेरह ही हुए हैं इस सीजन में थर्टीन मैचेज इज नथिंग टू गो बाय और चीजें जो है काफी इंटरेस्टिंग होगी विद रोमा ऑल्सो देयर फ्य